क्रेजीज, ये हाथ अगर आप पहचान नहीं रहे तो आपको बता दूं, ये हाथ आप में से ही किसी दोस्त का है जिसका हाथ आपने स्कूल में थामा था, कॉलेज में थामा था, उसके बाद ग्रेजुएशन में थामा था, शायद जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कहीं थामा था, लेकिन अब आप वो काम छोड़ चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं, या शायद इन हाथों को आपने भूल चुका है, या शायद ये हाथ कहीं मोबाइल में, कहीं कॉन्टेक्ट लिस्ट में, कहीं ऊपर नीचे कहीं गुम हो गए हैं, और शायद वो कुछ सालों में आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट से भी उड़ जाए। और अगर ऐसा है आपकी लाइफ में तो ज़रूर ये हाथों को वापस पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हैप्पी फ्रेंडशिप डे है आज, और इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। चाहे स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, जो भी हो, कोशिश कीजिए आप उन्हें फ़ोन करिए, स्कूल फ्रेंड्स हो तो और बेहतर है, तो इन्हें फ़ोन करिए और इन हाथों को दोबारा मिलाइए, देखिए उससे ज़्यादा खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप फेसबुक पर मैसेज करते हो उससे भी नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पर किसी लड़की से चैट करते हो तो भी नहीं मिलेगी, वो खुशी आपको अपने दोस्तों से ही मिलने वाली है, क्योंकि दोस्त होते हैं जो मस्ती खोर होते हैं और ऐसे ही रहते हैं। देखिए, डोंट काउंट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू हैव, बट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू कैन काउंट ऑन, यानी कि ये नंबर दोस्त बहुत ज़्यादा हो मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ ही दोस्त हो लेकिन भरोसे के हो, वही मैटर करता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये इस चीज़ से दर्शाने की कोशिश की गई है। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एक बहुत बड़ा दिन होता है। आज मैं एक्चुअली जब जा रहा था ऑफिस में, मैंने देखा बच्चे लोग लिखते ना मार्कर से, पेन से, हाथों पर पट्टी वो बांध देते हैं, बेल्ट वगैरह, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो मुझे बहुत फील हुआ यार, स्कूल में कॉलेज में हम किस तरह से इंजॉय करते थे, तो आज वही दिन है। और इसीलिए सभी से कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को प्लीज़ मत भूलिएगा। और मेरे दोस्त के बारे में आपको बता दूँ, आनंद, जितेश, रितेश, यहाँ पर रवि है, यहाँ पर अजीत है, ये कुछ मेरे बहुत ही खास दोस्त है। इसके अलावा भी बहुत सारे और दोस्त हैं जो मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने 10 उसमें मेरे दोस्तों से आपको रूबरू कराया था, और बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं मिलता है इन लोगों के साथ बिताने को, लेकिन जब भी मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो दिन मेरा एक सपने जैसा रहता है। और ये कुछ ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल से साथ में हैं, बोलते ना जिसे हम लंगोटिया यार या चड्ढी ग्रुप, तो ये वो दोस्त है। तो ऐसे दोस्तों को कभी मत खोइएगा। तो ये जो हाथ मैंने आपको दिखाया, जहाँ कहीं भी ये हाथ हो ज़रूर फ़ोन करिएगा, कोशिश करिएगा मिलने की, और इसे मिलाइएगा, देखिए कितनी खुशी होती है। और ये दोस्तों को मत छोड़िएगा जो आप बहुत अच्छे दोस्त रहे थे कुछ सालों तक, लेकिन उसके बाद बिछड़ गए। ऐसे दोस्तों को याद करिए और फिर मत हाथ छोड़िएगा, मेरा कहना है। और उनके नंबर को सिर्फ फ़ोन में रखे नहीं, यूज़ करिए, जियो का फ़ायदा उठाइए, और बाकी कोई भी नंबर तो उठाइए, फ़ोन कॉल करिए, और नहीं पैसे भी जाते तो क्या गम है, लेकिन दोस्ती तो पक्की हो जाएगी वापस से। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को भी, और उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों से ज़रूर बात करेंगे, और आपका मतलब इम्पोर्टेंट दोस्त या फेवरेट दोस्त, यानी कि सबसे अच्छा दोस्त जिससे आपकी दोस्ती अभी तक है या आप उसे भूल चुके हैं, वापस फ़ोन करके वापस दोस्त बनाना चाहते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का, देखते कैसे कमेंट्स आएंगे। मैं 24 घंटे के बाद कल रात को इस पर जोर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिलहाल कितना ही।